नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज ना हम लोग वॉक करने नहीं जा पाए, गर्मी की सरदर्द हो रही थी। लेकिन ऐसा हो रहा है, मौसम देखो, पूरा घना कोहरा छाया हुआ है, पूरी तरह ढक गया एकदम ये। तो दोस्तों, बच्चों का स्कूल खुल चुका है और बच्चे तैयार हो गए हैं, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। भूवी जल्दी करो बेटे, दिखा दिया मैंने, मैं भी तो दिखाऊंगा। अब ये नाश्ता वास्ता छोड़ करके मैं भी दिखाऊंगा, ये देखो। चल खाना खा ले। ए, तो गाइस तैयार हो चुका है हमारी भूविका, कूड़ा गाड़ी वापस जा रही होगी बेटे। आज बहुत दिनों बाद, 4-5 दिन बाद जा रहे आज स्कूल। ओए तीन दिन की पड़ी थी मेरे पप्पा, तीन। हाँ, 3 दिन बाद जा रहे हो आज। 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन जब हो गए फिर जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी ब्लॉग्स में। और मौसम देखो आप, कैसा हो रहा है, सुहावना हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। और कोहरा लगा है, बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग बारिश का आनंद लेने छत में आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, मुझे ना सुनो, ये वाला मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा। नया है यार ये, नया है ये। तो भूविका के लिए आ गया है रेनकोट, उसकी लाई है आंटी। थैंक यू, ये तो हमें भी फिट आ जाएगा यार, देखो अरे पजामा आ ही जाएगा। इतना बड़ा पजामा, बड़ा है ना। तो दोस्तों दिन का टाइम हो गया है, बन रहा है लंच, मैं जा रहा हूँ भूवी को लेने। ठीक है। बड़ी भूख सी लग रही है यार, वाह खुशबू सी आ रही है, क्या बना रहे हो आज? छोले चावल तो मुझे बहुत ही अच्छे, चने चावल तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मैं एक छतरी ले जाना, वो कहाँ है छतरी? तो गाइज ये छतरी, ये छतरी दे आऊंगा लक्षा को, उसकी छुट्टी देर में होती है, और भूवी को रेनकोट पहना के ले आऊंगा। तो टाइम हो गया है भूवी को लेने जाने का, तो चलते हैं भूवी को लेने। तो दोस्तों बारिश लगातार रुमझुम रुमझुम जारी है, मौसम तो अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, थोड़ा सा काम अफेक्ट हो रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बाकी तो मौसम अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही लग रहा है इसमें, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मस्त। तो हम चले भूवी को लेने। धन्नो भी भीग गई है हमारी, लक्षा की छतरी दे दी है और मैं यहाँ रख के लाया हूँ भूवी का और रेनकोट। मुझे लगता है कि नीचे इस क्लास में जाना पड़ेगा, क्या मस्त मौसम हो रहा है, वैसे देखने में तो मज़ा आ रहा है समझे। तो वो चिल्ला रही वहाँ से, उधर है उधर आ जा, सामने है वो, मुझे ना वहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए, पहना के लाना पड़ेगा रेनकोट। अरे रे 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 मेरे बेटे, आज भीगते हो, क्या सरप्राइज है देखो, क्या ये देखो, क्या है छतरी है, क्या है ये? क्या है ये सरप्राइज, देखो इसको पूरा पहन लो इसको। मेरे को नहीं आता पहनना। तो गाइस भूवी तैयार, भूवी दिखा दे यार, भूवी एक बार फेस दिखा दे यार। ये दौड़ी सब बढ़िया हो गया, पूरा बैग वैग सब आ गया इसका। भूवी यार एक बार मुंह दिखा दे यार, भूवी एक बार। चल तो गाइस लक्षा का ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, 2 मिनट मिलते हैं लक्षा को खाने के लिए, सीधे ट्यूशन चली जाती है, अभी स्कूल से आ रही है, एक रोल सा बनाएगी फटाफट और फटाफट खा के सीधे ट्यूशन, ट्यूशन से म्यूजिक, मतलब सुबह से शाम तक पूरा हेक्टिक रहता है। आधा घंटा मिलता है इसको केवल, वो भी मोबाइल चलाती है, उसके बाद ये फिर पढ़ाई करने ले जाती है, सो कॉल्ड पढ़ाई, अगर पढ़ाई करती भी है या होमवर्क जो भी करती है। तो ये हाल है, बेसनी नहीं है, मैं जो सामान लाएंगे, मौसम ऐसा हो रहा है, तो मौसम बहुत, मतलब बारिश रुकी नहीं रही है, ये देखो मेरी चल रही है फुल मस्ती, मस्ती में डोले, मस्ती पे डोले, मस्ती में डोले, मस्ती में डोले, मन्ना मन्ना यही। गाइस को बता दे कि शाम हो गई है, बता दे थोड़ा, गाइस शाम हो गई और शाम
तो कल का क्या अनुमान है आपका, छुट्टी होगी आपकी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, अगर सुबह तक बारिश चलेगी तो फिर मैं तो नहीं जाने वाला, फुल मस्ती आराम करने वाला। तो दोस्तों आज सबसे ज्यादा बारिश है, सबसे ज्यादा, और दिनों से भी ज्यादा, तो पता नहीं क्या होगा, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ये और रुक भी नहीं रही है। और मुझे लगता है कि काफी टाइम तक बीच में बारिश ही नहीं हुई थी, अब उसको सब ब्याज सहित होने वाली है मुझे लग रहा है। और लक्षा भी ट्यूशन गई है, और मतलब उसको अब आएगी कैसे, हो या तो मुझे लेके जाना पड़े। तो दोस्तों लगातार 6:30-7:45 तक बारिश थी, और अब हम बड़ी मुश्किल से थोड़ा कम हुई है, सब्जी वब्जी कुछ नहीं घर में, तो हमें थोड़ी सी पैदल जा करके ना सामान लेने जाना पड़ेगा। तो तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करना रे, ठीक है? हाँ यार, तेरी मेरी मैचिंग, ये देखो, मेरी और लक्षा की मैचिंग है यार, ऐसे इससे एग्जाम मैचिंग होगी। झोला कहाँ ले जा रही हो, इतना कौन लाएगा सामान, आज की सब्जी भी है, झोला ले आओ यार, क्या पता फिर भी ले आओ। अरे बाप रे, देखो ये ऐसे में कोई दुकान खुली होगी, सब बंद करके चले गए होंगे। भाई खतरनाक हो रहा, और बाप रे, तुम जैकेट पहन के क्यों नहीं आए? तो जैकेट मैंने तुमसे कहा दिलाओ, बाहर रखा है कहा मैंने तुमसे? चलो रहने दो, हटाओ यार, चलो फिर। तो गाइस अभी इतनी ज्यादा बारिश तो है नहीं, हल्की हल्की है, लेकिन देखते हैं हमें सब्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। पर ये दृश्य बहुत अच्छा है दोस्तों, गजब का एडवेंचरस। सब्जी मिलना मुश्किल है क्योंकि सब लोग बंद करके चले गए होंगे, हो सकता है कोई मिल जाए, क्योंकि यहाँ के लिए तो ये रोज की बात है ना। ये इस टाइप का जो स्ट्रीट लाइट जली होती है, ठंडा मौसम होता है, पहाड़ की जगह होती है, यहाँ पे मैं एक कवि मेरे अंदर जाग जाता है। देखो अब तो गए, घर से लग रहा था ना दुकान एक भी खुली नहीं होगी, पूरा प्रॉपर खुली है और मस्त खुली है एकदम। अरे मजा आ गया यार कसम से, ये तो दुकान एकदम मस्त खुली हुई है यार, पहल पहल हो रही है। फिर घर से नहीं सोचना चाहिए बताए ऐसे, ये इनके लिए रोज की बात है यार यहाँ पे बारिश होना। तो ये दुकान मिल गई है हमें, और हम यहाँ से लेंगे सब्जी वगैरह, चलो ले लो। तो गाइस पूरा कोहरा छा गया है, देखो कोहरा पूरा आ रहा है ऐसे ऐसे ये। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं घर, अभी तक लाइट नहीं थी, और जैसे ही लाइट आती है ना दोस्तों तो इतना अच्छा लगने लग जाता है, वरना बहुत ही बुरा लगता है तब तक। जैसे ही लाइट आती है तो कितनी खुशी होती है ना ऐसे बारिश के मौसम में, वरना लगता है यार क्या है यार अजीब सा। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर, और हमें सामान मिल गया यार, बड़ी खुशी की बात हुई। और यहाँ पे अनार चला जा रहा है भाई बच्चों का, चलो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं भाई, आ जा लक्ष्यो फटाफट हनुमान चालीसा, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। मैं लक्ष्य को बता रही हूँ कि भूमिका ने यहाँ पेंसिल चुभा दी मेरे हाथ में गुस्से में, क्योंकि मैंने इसका कहना नहीं माना, और पूरा नुकीली पेंसिल चुभा दी बजाय, और इतनी उसकी नुक देखना भी दिखाऊंगी तेरे को, अगर मैं ऐसे नहीं करती ना वो अंदर घुस जाती मेरे। हाँ ये देखिए इतनी खतरनाक है, और उसको कोई दया भी नहीं है बता उसके बाद, और अनार भी देख अकेले खा रही हो, देख वो ये देख, अरे ऐसे चाहिए। ये इससे ब्लॉग बन रहा है इसका। गाइस मम्मी को तो इतनी लगी नहीं थी, लेकिन मम्मी कह रही है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, इससे ये मोबाइल है इसका, देख इससे ब्लॉग बना रही है, कह रही गाइस मम्मी को थोड़ी सी लगी थी, और मम्मी ने ना बहुत ही बड़ा चला के बोला, ऐसा करी खुद ही, कैसे बोला बता। मटोले मटोले क्यों क्यों तूने 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 मेरी घरवाली के क्यों क्यों वो चुभाया, क्यों चुभाया मेरे घरवाली के उसने। कल छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, मत देख, ये देखो इसको देख रहे हो, ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही, छुट्टी का मैसेज देख रही है ये। अबे कितनी छुट्टी, कितनी छुट्टियां लोगे यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? बस बस हो गया, अब हमें मत बता, तो हमें मत बता, हम तुझे नहीं बताते हैं, एक दूसरे को ऐसे पागल बनाते हैं। मुझे पता था बेटा, मेरे उसमें पहले आ गया था, पापा को पता ही होगा मुझे, मेरा फोन तो यही है, मुझे कैसे पता लगेगा। आ गया मैसेज, 5-7 नहीं है बेटे, 5-7 तक अतिवृष्टि को देखते हुए कल 6 को छुट्टी है, 7 मत कह, 7 तो संडे है, तो आज शुक्रवार है क्या, अरे आज 6 है, कल भूल चले गए, आज कल 7 है। ओ बेटे आज 5 है, आज 5 है गाइस, आज हम स्कूल गए, कल 6 है, कल छुट्टी, परसों तुम्हारे यार, तो पता हम हल्द्वानी से खाली आए यार,
वहीं रह जाते है ना, मतलब और रोड खराब हो रही होती है, नहीं तो मैं तो मन कल भी जाने का कर रहा है यार, नहीं तो रोड खराब हो रही होगी कसम से। तीन दिन की छुट्टी में और चले जाते हैं ना, अब रोड खराब हो रही होगी, रिस्क लेना ठीक है। मेन क्या हुआ, मेन जिस दिन हम आए उसके दूसरे दिन से मौसम खराब हुआ यार, खाली आए यार यहाँ कसम से उधारा लक्ष्य और चलते है। हाँ वही तो, अरे कुछ दिन और रह जाते वहाँ यार उनके साथ। तो गाइज ऐसी बात नहीं है यार, हमारी भूवी सबके लिए छील रही है। शाबाश बेटा, गुड, आई लाइक इट। वाह, आप अगर मेरी मदद करो मैं आपको उनसे भी ज्यादा दूंगी। मैं मदद नहीं कर पाऊंगा बेटा, मेरे को अभी एडिटिंग करनी है ना। सबसे कम आपको मिले। ओहो यार, झंड कर दिया आपने तो यार। ठीक, तो गाइज सबको बांट रही है भूवी, ऐसी बात नहीं है। नाना जी को दे दिया और दे दे। क्या बात है, आज तो मुन्नू की सेवा हो रही भाई। ये गुड, शाबाश बेटा, गुड। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का दिन, मतलब पूरा बारिश से भरा हुआ और अभी भी बारिश चल रही है। तो दोस्तों आई होप कि कल को मौसम ठीक रहे, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। सब लोग सो गए हैं और अब मैं भी सो जाता हूँ, फिर मिलते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच।